हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। तो भाई, आज है सैटरडे और आज के दिन की स्टार्ट हो रही है ग्रॉसरी शॉपिंग से। तो मैं अभी जा रहा हूँ एक बड़े से ग्रॉसरी स्टोर में, यहीं पर ब्यूबलिंगन में है। तो वहाँ पे देखते हैं और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सब्जियाँ वगैरह उनके प्राइसेस वहाँ पे क्या हैं। ये हमारे सुमित जो गाड़ी चला रहे हैं और मैं इनके बगल में बैठी हूँ, और सुमित बोल रहे हैं कि कुछ रिकॉर्ड करो, कुछ रिकॉर्ड करो, कुछ बोलो। तो मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जर्मनी में क्या है, जितनी भी ठंड हो बाहर, जितनी भी ठंड हो, पर आप गाड़ी में ना गर्मी के मजे ले सकते हो। पूछो कैसे? मत पूछो। यहाँ पे अपनी सीट गर्म कर सकते हैं, तो आपको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इंडिया में भी आता है गाड़ियों में। तो हमारे घर से बिल्कुल पास में है ये सुपरमार्केट, जो कम से कम 2 मिनट का रास्ता है। तो हम आ चुके हैं सुपरमार्केट, अब ले जाएगी घर की ग्रोसरी। तो आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह के वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, हर कंट्री से आते हैं यहाँ पे, जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। इस अलग अलग तरह की वैरायटियां होती है। मेरे सामने एक चाइनीज थाई रेस्टोरेंट भी है, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने इंडिया में फर्स्ट टाइम खाया था चाइनीज खाना, और हमारा बिल कम से कम 5,500 का आया था। मतलब राहुल और मैंने इस खाने को टच भी नहीं किया। क्या खाया था ये बता दो। सुशी खाई थी हमने। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, हम तो चाइनीज एशियन बोल दो, एशियन। पर हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, हमारे 5,500 रुपए ऐसे फूक गए थे। तो हम फिर राहुल और मैंने कसम खाई थी कि कभी भी चाइनीज खाना कभी भी लाइफ में ट्राई नहीं करेंगे। तो हमारे साथ एक बड़ा धोखा हुआ था। तो हम गाड़ी से बाहर निकल आए हैं और इतनी जोर से बारिश हो रही है। तो गाइस, ये है ये मार्क ऑफ करके, और ये काफी बड़ा है देखो। और यहाँ पर, यहाँ से हम अपनी शॉपिंग करने वाले हैं। और सबसे पहले एक ये वागन ले लेते हैं। इसमें ये चेन लगी हुई है, वो नहीं है, एक शॉर्ट जो चल रहा था, एक यूरो में एक ट्रॉली। ऐसा कुछ नहीं होता, 1 यूरो में एक ट्रॉली। तो बस केवल ताकि लोग वापस इसको अपनी जगह पे रख दें। तो हम एंट्री कर चुके हैं हमारी सैटरडे शॉप पे। ये रही लोटो, यहाँ पे मिलते हर तरह के सिगरेट और टबैक, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे ये रहा फोटो बूथ, आप यहाँ पे अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं बिना कैमरामैन के। ये रहा खाने का सेक्शन, जो कि मेरा फेवरेट है। काफी भीड़ है आज। सुमित यहाँ पे बैठ के ना वो भी खाएंगे पेस्ट्री। हाँ, यहाँ पे इतनी अच्छी पेस्ट्री मिलती नहीं है, पति का देख लेते हैं। है नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी चेक किया था। यहाँ पे अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप यहाँ पे इनको राइड करवा सकते हैं एरोप्लेन की। यहाँ पे हैट्स भी हैं। अरे वाह, सबसे बड़ा ऑरेंज टेस्ट तसन, ये है ऑरेंज। अब दिखाई जाएगी आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स। ये है कीवी, यहाँ पे लिखा रहता है, लिखा ना कीवी। कीवी है, एक कीवी है 0.25 सेंट की, सिर्फ एक कीवी। तो कितने की हुई पता नहीं, 25-30 रुपए की, 25-30 रुपए की। पर इंडिया में 40 रुपए की आती है एक कीवी। संतरे दे देते हैं हमारे लिए। अरे तो अच्छा है, मैंडरिन है, टेस्टी है। आज आपको ना इंटरेस्टिंग चीज भी दिखाने वाली हूँ मैं, ये मीठे हैं थोड़ी देर में। चलो ले लो एक की, दो ले लो। कितने के? 2.99, यानी लगभग 3 यूरो के। नहीं, वो दूसरे हैं, सेम ही है। तो मैंडरिन ही लेना ना, ये वाले हैं ना, ये तो ले रहा हूँ मैं। अच्छा, मैंडरिन है 1.59 सेंट। ये देख रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से मिल जाए, बड़े बड़े। ये रहे केले, वो अच्छा लग रहा है मुझे, उस साइड वाला। ये ठीक है यार, ठीक है, ये ले लो केला। यहाँ पे केले बहुत सस्ते हैं, जहाँ से हम लेते हैं रेवे से, यहाँ पे काफ़ी सस्ते हैं। एप्पल्स की वैरायटी, ये हर कंट्री से आए हुए हैं,
और सब एप्पल्स का अलग अलग प्राइस है। फ्रांस वाला एप्पल है, ये रहा फ्रांस का एप्पल, ये रहे अलग अलग तरह के येलो कलर के एप्पल, ग्रीन कलर के एप्पल, ये रही गोभियां, ये तो नॉर्मल आप सभी को पता होगा ये अपने इंडिया में मिलती है गोभी, पर इस गोभी को मैं नहीं जानती, मैंने फर्स्ट टाइम यहीं पे आके देखी है ये वाली गोभी, आप देख ही रहे होंगे। इसको क्या बोलते हैं सुमित, इसको रोमांस को नाम लिखा है, रोमांस को, इटली से ये रोमांस को गोभी है और ये इटली से आई है, आपने कभी देखी तो मुझे प्लीज कमेंट में बताना। ये हम सभी के फेवरेट मैंगो, ये छोटा सा पपाया और इससे भी छोटा और इससे भी छोटे साइज का पपाया, ये रही मूलियां, ये आप इस मूली को तो आप जानते ही हो, और एक रेड रंग की मूली और ये सबसे छोटी मूली। मैं काफी टाइम से नारियल पानी ढूंढ रही थी और आज मुझे फाइनली यहाँ पे नारियल पानी मिल गया है, तो मैं ये नारियल पानी ज़रूर ट्राई करूँगी, और ये 3 यूरो का है, पानी भी सही है, पानी भी सही है, तो डन, हाँ तो ये बायो का है तो काफ़ी अच्छा होगा। ये रही अपनी शिमला मिर्च, रेड ग्रीन, और ये मिर्ची की शेप पे देख रहे हो, रेड कलर की, ग्रीन, येलो कलर की, अलग अलग तरह की अपनी हरी मिर्चें, अलग अलग तरह की, अलग अलग कंट्री से, और नीचे आप देख सकते हो वॉलनट रखे हैं, और अपनी ये मूंगफलियाँ, अभी लोरी गई है, आप सभी को हैप्पी लोरी। ये रही हमारी बीन्स, नहीं कली तो खाई है। ये है हमारी टर्किश मिठाइयाँ, कुछ इस तरह की होती हैं, काफ़ी टेस्टी होती हैं, हमने काफ़ी बार ही ट्राई किया है, अलग अलग तरह की। ये हमारे सुमित जो कि कुछ नहीं बोल रहे, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बोल रहा हूँ पर मैं चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे इतने सारे ब्रेड के टाइप्स हैं, जो हमारे इंडिया में रस नहीं खाते हम, यहाँ जर्मनी के रस आप चाय के साथ खा सकते। तो हम आ चुके हैं जैम के सेक्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे जैम रखे हैं। सुमित आपको ट्राई करना है कोई जैम? नहीं मैं कोई करना। आपको ब्रेड जैम अच्छा नहीं लगता? नहीं। तो यहाँ पे हर फ्रूट के जैम रखे हैं, हर फ्रूट के, एप्पल का, स्ट्रॉबेरी का, ये जो ब्लैक रंग की क्या होती है मोटस, ब्लूबेरी, तो ब्लूबेरी का भी जैम है, अपने अनानास का भी जैम है, ऑरेंज का जैम है, यहाँ पे एप्रिकोट का भी जैम है। और गाइस ये जो है ये ड्राई फ्रूट का सेक्शन, तो हर टाइप का ड्राई फ्रूट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हेलो, इसी सुपरमार्केट के अंदर एक और मार्केट है आल्डी, जहाँ से हम हमेशा प्याज लेते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइस काफी कम होते हैं। ये ले रही हूँ मैं पेपर नैपकिन, काफ़ी ज़रूरी होते हैं जर्मनी में। ये रही हमारी शॉपिंग, हमने प्याज ही प्याज लिए हैं और एक ये पेपर लिया है, आल्डी में यही अच्छा मिलता है और यही सस्ता मिलता है, आलू भी है पर घर पे रखे हैं आलू, बाकी भी सस्ता मिलता है लेकिन जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती, तो इसलिए हम फ्रूट्स वगैरह यहाँ से नहीं लेते। अब हम आ चुके हैं घर और कुकिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा, तो हमने किया डोमिनोज का पिज़्ज़ा ऑर्डर, तो आपको दिखाते हैं पिज्जा कैसा दिख रहा है, फुल्ली ग्रीन, एकदम ग्रीन दिख रहा है, वेजी से लटपट एकदम। इसका टेस्ट मैं बताती हूँ आपको कैसा है, तो ये बाइट सबसे पहले हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, सब्सक्राइबर तो खा नहीं रहे, तुम खा रही हो, सही है। एक बात सच में बताऊ आप सभी को, जो पिज्जा इंडिया का है ना वो बात कहीं पे भी नहीं मिलेगी, इंडिया का पिज्जा पिज्जा ही है, मजा नहीं आया इतना मुझे। ये हमारा हो गया पोपट, एकदम पोपट हो गया, पर सच में इंडिया का पिज्जा पिज्जा ही होता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे हम खत्म करते हैं, आप सभी को बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।